लगभग लगभग जो है 10 से 15 किलो के बीच में है, पूरा तसला भरा हुआ है। इतनी लौकी घर में कोई खेत नहीं है, जैसा कि आप देख रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल समीर सिंह गार्डन में आप सभी का। और आज मैं आपको दिखा रहा हूँ, कोई घिया कोई लौकी बोलता है, सर्दी पूरी पड़ रही है और लोग कहते हैं कि लगता नहीं है। ये देखिए कि कितना ये घिया लौकी लगा हुआ है, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा। ये हमारे एक कस्टमर हैं जो हमसे खाद परचेज करते हैं ऑर्गेनिक, और उसके थ्रू ये डाल के लगाया हुआ है। ये देखिए, जहाँ देखेंगे वहाँ ये लौकी लगी हुई है। और ये नहीं कि लौकी सिर्फ एक दो फल दिखाने के, जहाँ देखिए गिनती नहीं आप कर पाएंगे, ये पौधा इतना फल दे रहा है। ये देखें लाइन से, जहाँ देखिए लौकी ही लौकी है इसकी लगी हुई, और कितनी ही सैकड़ों लौकी ये बांट चुके हैं, खा चुके हैं। ये देखिए, ये तीन पौधे मात्र लगे हुए हैं इसमें। ये देखेंगे ये फल में कन्वर्ट होता जा रहा है, इस तरह से लगा हुआ है। ये देखिए, तो इनका हम कारण जानेंगे कि खाद ये कैसे डालते हैं, हमारा ऑर्गेनिक खाद का इस्तेमाल करते हैं। उससे पहले मैं आपको इनका जो जर्मिनेट प्लेस है वो भी दिखा दूं कि कहाँ इन्होंने उगाया है इसको। ये देखिए, ये अपने आंगन में पक्की जगह पर इस तरह का एक प्लेटफार्म बनाया है जो कि 2 फुट ऊंचा है, और इसमें ये घिया की बेल लगाई गई है। जून के महीने में इसको लगा दिया गया था, और ये अगस्त सितंबर से जो है फल देना शुरू किया है इसने। अभी नवंबर आ गया, सर्दी का टाइम आ गया, फिर भी ये देखिए खाद जैसे कि दिखाई दे रहा है, ये डाला गया है। और लिक्विड फर्टिलाइज़र डालते हैं ये, और ये इसकी बेल देखिए गई, 3 बेल है, एक लंबी वाली और 2 जो है गोल वाली है। तो इस तरह से ये बेल फैली है, और आपको जैसा कि मैंने फल दिखाया, इस सर्दी में भी पूरी तरह से ये हरा भरा दिखाई दे रहा है और फलों से बिल्कुल अटा पड़ा है। कितने ही फल इसको तोड़ चुके हैं, और अभी एक बार का तो फल ऐसा होगा कि सैकड़ों फल निकल जाएंगे। हर गांठ के अंदर आप देखेंगे कि ये फल में कन्वर्ट हो रहा है, और ये सारे फल बढ़ने की दिशा में। ये देखिए, ये 2-3 दिन के अंदर ये सब तोड़ने वाले हो जाएंगे। तो आइए जानते हैं कि खाद का कैसे इस्तेमाल करते हैं। ये बैठे हुए हैं, नमस्कार। तो खाद का कब कब इस्तेमाल करते हैं आप इसमें? अभी जो है खाद जो है इस समय 1 महीने में आपका लीप कंपोस्ट डाल के और अच्छी तरह से जड़ों के नीचे जो है खोद के जो है 6 इंची एक बार डाल दिया हुआ है। फिर जो है उसके बाद जो है पानी और लिक्विड फर्टिलाइज़र जो है ऊपर से देते रहते हैं, वो भी 15-20-25 दिनों के बाद जो है थोड़ा थोड़ा जो है मिक्स करके इसमें डालते रहते हैं, और ये जो है इतनी ग्रोथ जो है अपने आप ही जो है दे रहा है। ये कितने फल लगभग तोड़ चुके हैं आप इसमें से? अभी कम से कम पड़ोसियों को और जितने रिश्तेदारों को कम से कम तो 100 के आसपास दे चुके हैं, और 100-150 के आसपास लगे हुए हैं इस समय अभी। तो कितने खुश हैं आप इससे? बस जो है देख के बहुत आनंद आता है, और इनको जो है हमेशा जो है जब भी निकलते हैं बैठते हैं बाहर, तब जो है देख के ही आनंद जो खुशी मिलती है कि जो है ऐसे पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि इतने फल आए हों और देखने को मिले हों। काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं देखने के लिए कि यार किस तरीके से चल रहा है। अब माता जी से सुनते हैं, माता जी क्या कहते हैं इसके बारे में? बेटा मैं तो देख ही के खुश होती हूँ, आपका वीडियो देखती हूँ रात में, तब सोती हूँ, तब से मैं वीडियो न देख लूँ तब से हमको नींद नहीं आता है। अच्छा। थोड़ा सा परेशानी भी होता है मेरे, रहता है पैर में दर्द, बाकी फिर भी हम आपका वीडियो देखती हूँ, अपना ये सब करती रहती हूँ। तो वीडियो देख के क्या नॉलेज मिलती है आपको? नॉलेज ये मिलती है कि हम ऐसे ही करूँ, और इसका रिजल्ट भी मिलता है आपको। हाँ, ऐसा करने का, ऐसा करने से हमको बहुत फायदा मिलता भी है, थोड़ा दर्द रहता तभी भी हम अपना उसमें लगल रहती हूँ। समय अच्छा पास होता है आपका? समा भी अच्छा पास होता है, अपने घर का रौनक बढ़ता है, रौनक बढ़ाई हूँ सारे पौधा रख के कि हमारा बस आपके खाद से बढ़ता है। चलिए, नहीं खाद तो है ही है, मेहनत। हाँ, साथ में जरूरी है, जो मेहनत आप डालने का तरीका है। तो खाद तो बहुत लोग खरीदते हैं, लेकिन क्या होता है कि उसका डालने का तरीका, पानी का जो सिस्टम है वो नहीं कर पाते टाइमली। नहीं, उसके पीछे तो मैं लगा रहती हूँ बेटा, दर्द भी होता तभी पानी देना, उसके कोड़ना, उसके सोना, कलमूली है, साग है, लहसुन है, ये सभी अपना कुर्ती सोती रहती हूँ। जैसे वीडियो में आप बताते हैं। हाँ, वैसे मैं वीडियो देखती हूँ, अपना उसे करती रहती हूँ। चलिए, बहुत बढ़िया है, और मुझे खुशी है कि आप लोगों को इतनी खुशी मिलती है। हमको बहुत खुशी मिलती है, हम अपने घर में इतना पौधा क्यों किया कि आपका चैनल देख के किया,
अच्छा हाँ। चलिए आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि इनसे मोटिवेट होकर के आप लोग भी अपने घरों में करें हाँ। और सबसे बड़ी बात, खुद तो खा ही रहे हैं ऑर्गेनिक और लोगों को भी दे रहे हैं, बांट रहे हैं, इतना ज़्यादा इतनी छोटी सी जगह में ये उगा ले रहे हैं, घर में ही है, कोई खेत नहीं है। ये देखिए ये प्लेटफार्म सा इन्होंने बनाया हुआ है, लगभग 15 फुट का है, 15x2x3 का ये बना दिया है एक कोने में। और ये देखिए कि इन्होंने ये ग्रीनरी पूरी, उधर मनी प्लांट है, इधर ये हैंगिंग प्लांट लगा दिया है इन्होंने जगह जगह पे, ये हार सिंगार का पौधा भी लगाया है, ये भी देखिए कितना बढ़िया चल रहा है। ये आंवला है, आंवले की भी लगा रखी है, ये नींबू है, नींबू भी है, ये अमरूद है, ये आड़ू का पौधा इन्होंने लगा दिया एक प्लेटफॉर्म बना के। और ये सबसे जो अच्छी खूबसूरत चीज़ है, इसको राखी बेल कहते हैं। ये देखिए इस सर्दी के टाइम में भी ये राखी बेल इतना ज़्यादा फ्लावरिंग कर रहा है, जैसे कि आमतौर पे होता नहीं है, ये एक टाइम होता है इसके बाद ये रुक जाता है, लेकिन यहाँ देखेंगे तो ये अनगिनत जो है इसमें पौधे में फूल है और कली है निकली हुई, एक ही जगह पर इतने हैं। आगे देखेंगे, आगे भी आ रहा है और इसके थ्रू जो है देखिए मक्खी है, मधुमक्खी और इस तरह की चीज़ें आती हैं जो कि ये घी के पॉलिनेशन में, लौकी के पॉलिनेशन में काफ़ी हेल्प कर रही है, तो हेल्थ के साथ साथ पॉलिनेशन से फ्रूट भी काफ़ी मात्रा में बन रहा है इनका। तो उम्मीद है दोस्तों आप भी ऐसा करेंगे इसको देख करके और मोटिवेट होंगे। नमस्कार दोस्तों, तो हम 7 दिन बाद फिर आप घीए की जो है अपडेट दिखा रहे हैं। 7 दिन पहले मैंने आपको दिखाया था ये छोटे छोटे फल लाइन से लगे हुए थे, अब इसमें आप देखेंगे कि कितने मैच्योर हो गए हैं। और ये दिसंबर का महीना है, आज 8 दिसंबर का समय चल रहा है, इस सर्दी में ये घीया इतना फला हुआ है, लौकी फली हुई है। ये देखिए 2 वैरायटी की हैं, एक तो ये लंबे वाली हैं जो बिल्कुल प्योर देसी होती हैं, ये देखिए फला हुआ, गिनती करें हम तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और अनगिनत जो हैं छोटे छोटे हैं 8, 9। आगे देखिए ये 2 बेल लगी हुई है, ये 10, ये देखेंगे 11 और इधर देखेंगे ये 12, लगभग 1 दर्जन लौकी जो है एकदम तैयार है तोड़ने को, और सर्दी के मौसम में। तो आखिर सर्दी के मौसम में इतनी लौकी लगी कैसे, क्योंकि सर्दी के मौसम में तो लौकी लगती नहीं है, सूख जाती है ठंड की वजह से, लेकिन ये लौकी चल रही है। तो इसका भी हम आपको राज बताएंगे कि क्यों इतनी लौकी सर्दी के मौसम में लग रही है। तो आइए उससे पहले हम हार्वेस्ट कर लेते हैं, फिर आपको बताते हैं कि इसके पीछे का कारण क्या है, कितनी लौकी हमारी फल रही है। तो अल्टीमेटली हम हार्वेस्ट कर रहे हैं और दिखाते हैं आपको कि कितनी लौकी निकलती है और कितना वजन इसका आएगा। ये देखिए पहली हमने ये निकाली प्योर देसी लौकी, खाने का भी आनंद इसका अलग ही है। दूसरा देखिए ये निकाल दिया हमने, ये निकाल दिया तीसरा, और ये हमारा चौथा। इतनी लौकी उगे कि सभी मोहल्ले को भी खिला दी जाए। ये देखिए ये पूरा टोकरा हमारा लगभग भर गया है। ये देखिए इस लौकी का वजन लगभग लगभग जो है 10 से 15 किलो के बीच में है, पूरा तसला भरा हुआ है। इतनी लौकी घर में, कोई खेत नहीं है ये, जैसा कि आप देख रहे हैं। ये 3 जड़ें हैं जो इसके एक प्लेटफार्म सा बना के और उसके बीच में मिट्टी डाल के लगाई गई है। इसमें खाद कौन सा यूज़ करते हैं जिस वजह से इतना फल है वो दिखाता हूँ मैं आपको। तो दोस्तों इस लौकी का राज बताने जा रहा हूँ कि इतनी लौकी क्यों लगती है। ये देखिए उसके लिए ये हमारा पत्तों से बना खाद है, जैसा कि पत्तों का रेजिड्यू आप ये देख सकते हैं, ये पत्तों की रेजिड्यू जो है ये बची दिखाई दे रही है, पत्तों की खाद है जो हमारा बैक्टीरिया कल्चर में बनता है। केले का और दूसरे पत्ते जो हैं उसको डिकम्पोज किया जाता है उससे, तो इसको 2 महीने में एक बार इसकी जड़ों को खोद के ये डाला जाता है, और महीने में एक बार ये लिक्विड फर्टिलाइज़र। इतनी एनर्जी मिलती है तो ये सर्दियों में भी इतना फल दे रहा है। ठीक वैसे ही जैसे सर्दियों में हमें बचने के लिए बहुत सारे तिल के और लड्डू और मूंगफली के, जो गजक है, मूंगफली है, ये खानी पड़ती है, बादाम खाना पड़ता है ताकि एनर्जी रहे, इसी तरह अगर फल लेना है सर्दियों में पौधों में तो इस तरह की एनर्जी इनको देनी पड़ेगी। कहने का मतलब ये है कि ये जो मल्टी न्यूट्रिशन वाला खाद है, माइक्रो न्यूट्रिशन वाला लीप कंपोस्ट और ये लिक्विड फर्टिलाइज़र, ये इसके लिए काजू बादाम का काम करता है सर्दियों में और पूरी एनर्जी देता है, तभी ये फल लगना पॉसिबल हो पाता है।
तो आप लोग भी चाहते हैं कि इस तरह लगाएं तो इसका इस्तेमाल करके और अपने घर की लौकी ऑर्गेनिक लौकी उगा सकते हैं।